फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम ट्राइडेंट के स्टॉक के ऊपर। ट्राइडेंट में दोस्तों आज आपको फिर देखिए अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है और स्टॉक ने आज काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। अपर सर्किट पे दोस्तों आज आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। कल भी अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला था और मैंने आपको कल भी कहा था कि कल का दिन बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है और आज आप देखिए स्टॉक ने क्या बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि यहाँ पर आपको ट्राइडेंट कल कैसा करता हुआ देखने को मिल सकता है, कल के लिए आपको क्या बनानी है दोस्तों स्ट्रेटेजी ट्राइडेंट के अंदर, इसके ऊपर दोस्तों इस वीडियो में सब कुछ हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। कल का टारगेट क्या होने वाला है ये भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चैनल से आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। एंड फ्रेंड्स, आप चाहे तो हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं द शेयर बाजार। यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग वीडियो आती हुई देखने को मिलती है, हर दो दिन में एक वीडियो यहाँ पे दोस्तों आपको अपलोड होती हुई देखने को मिलती है। दो वीडियोस देखिए मैं डाल चुका हूँ, ITC के ऊपर और एक हर्षद मेहता के पोर्टफोलियो के ऊपर, तो आप जाके ये वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज 18.80 पे ट्राइडेंट ने क्लोजिंग दी है। 85 पैसे देखिए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है 4.74% की ट्राइडेंट के अंदर। आज आपको बढ़िया तेज़ी आती हुई देखने को मिली है और स्टॉक देखिए लगातार यहाँ पे अब आपको बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब आपको स्टॉक हो सकता है कि देखिए नया 52 वीक हाई बनाता हुआ देखने को मिले। आज स्टॉक देखिए शुरुआत कैसे करता है, शुरुआत आपको यहाँ पे जो गैप अप ओपनिंग हमको मिलनी चाहिए थी वही देखिए गैप अप ओपनिंग मिली। उसके बाद स्टॉक सस्टेन किया, सबसे बड़ी बात सस्टेन किया। एक टाइम पे देखिए अपर सर्किट लगा लेकिन उसके बाद मार्केट में जिस तरह से गिरावट आई स्टॉक आपको फिर नीचे आता हुआ देखने को मिला, फिर वापस से देखिए ऊपर आया। उसके बाद देखिए आपको दिन में ये स्टॉक अपर सर्किट पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिला और अपर सर्किट पे देखिए यहाँ पे रहता हुआ देखने को मिला, कोई चेंज यहाँ पे होता हुआ देखने को नहीं मिला। और ट्राइडेंट में दोस्तों आपको मैंने कल भी बताया था कि देखिए कंपनी ने अपनी AGM अनाउंस कर दी है और AGM अनाउंस करने के कारण दोस्तों स्टॉक के अंदर आज मूव था। दूसरी बड़ी बात क्या है, लगातार दोस्तों जो कंपनी के कमर्शियल पेपर के आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया निकल के आ रहे हैं और वापस से देखिए वही आंकड़ों ने काफ़ी ज़्यादा देखिए बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया, जिसके कारण देखिए कंपनी आपको बढ़िया करती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर आपको लगातार देखिए अब आप स्टॉक बढ़िया करता हुआ नज़र आ रहा है। आज वॉल्यूम्स के ऊपर दोस्तों नज़र डालें तो फ्रेंड्स वॉल्यूम्स भी दोस्तों आज यहाँ पे खतरनाक होती हुई नज़र आई है। काफ़ी दिनों के बाद देखिए आपको इतनी इंटरेस्टिंग वॉल्यूम्स होती हुई नज़र आई है। आप देखिए आज यहाँ पे करीबन 9 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स आपको ट्रेड होते हुए नज़र आए, 9 करोड़ 6 लाख आपको शेयर्स दोस्तों ट्रेड होते हुए नज़र आए आप। और आज देखिए यहाँ पे अब शेयर अपने 52 वीक हाई से कितना ज़्यादा नज़दीक है, 19.30 रुपये का देखिए 52 वीक हाई है और अब शेयर देखिए इसके आसपास आपको काफ़ी आता हुआ देखने को मिल रहा है। और हो सकता है कि देखिए इसको भी यहाँ पे क्रॉस कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि स्टॉक देखिए इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर दे, बिकॉज स्टॉक के अंदर देखिए जो मूव है वो साफ साफ आपको शो कर रहा है कि 19.30 इज़ ऑन द कार्ड्स। और कल अगर गैप अप ओपनिंग मिलेगी तो 19 रुपये की तो ऊपर ही आपको देखिए खुलता हुआ देखने को मिलेगा। जो आप मैं बात कर रहा था डिलीवरी के ऊपर दोस्तों, यहाँ पे हम नोटिस करें तो डिलीवरी कितनी देखने को मिली है, देखिए डिलीवरी जो यहाँ पे आपको आज मार्क होती हुई देखने को मिली है करीबन यहाँ पे 36.37%, यानी 3.29 करोड़ शेयर्स दोस्तों आपको आज डिलीवरी के तौर पे देखिए लेके गए। तो डिलीवरी मार्क भी बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको देखने को मिल रहा है, स्टॉक खुद देखिए लगातार आपको बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आपको हर एस्पेक्ट पे देखिए साफ साफ ये देखने को मिल रहा है कि स्टॉक बढ़िया कर रहा है। आप वॉल्यूम्स के साथ देख लीजिए, यहाँ पे आप डिलीवरी के साथ देख लीजिए और स्टॉक में देखिए तेज़ी तो आपको साफ साफ यहाँ पे आती हुई देखने को मिल ही रही है। तो यही देखिए सारे पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है स्टॉक के ऊपर। और फ्रेंड्स आज जो वॉल्यूम हुई है इसके बहुत बड़े मायने हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ट्राइडेंट लिमिटेड क्लॉक वॉल्यूम ऑफ 104 लाख शेयर्स बाय 10:50 IST। देखिए 10 बजे तक की आपको आज यहाँ पे 11 बजे के आसपास इतनी बेहतरीन वॉल्यूम्स देखने को मिल रही थी, जो करीबन 5.33 टाइम्स देखिए वॉल्यूम सर्ज हुई है, यानी बड़ी है 2 वीक एवरेज के डेली वॉल्यूम्स के। तो ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बात है, जो 19 लाख वॉल्यूम्स आपको एवरेज देखने को मिलती थी आज देखिए करीबन 104 लाख वॉल्यूम्स तो देखिए आपको 11 बजे के आसपास ही देखने को मिली और उसके बाद लगातार वॉल्यूम्स बढ़ती गई और आपके 9 करोड़ के आसपास देखिए आज आपको वॉल्यूम्स मार्क होती हुई नज़र आई है। तो ये वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट आया है जो देखिए आपको कल भी यहाँ पे बड़ी तेज़ी आती हुई देखने को मिलने वाली है। बट फ्रेंड्स आप एक बात याद रखिएगा, जो कंपनी की आपको AGM होती हुई देखने को मिलने वाली है इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने, क्योंकि AGM में हमको पता चलेगा कि कंपनी के आगे की ग्रोथ की सिचुएशन क्या है। और ये दोस्तों जो सिचुएशन निकल के आएगी या फिर जो भी कंपनी दोस्तों हमको बताएगी वो बहुत ज़्यादा देखिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी देखिए लॉन्ग टर्म के लिए ट्राइडेंट में निवेशित है। बिकॉज ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर दोस्तों मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर कोई पेनी स्टॉक आपको मिल रहा है तो वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन ट्राइडेंट है। ट्राइडेंट लिमिटेड का बिजनेस लगातार देखिए बढ़िया होता हुआ नज़र आ रहा है, अभी आपको देखने को मिल रहा है लगातार हर क्वार्टर में कंपनी बढ़िया करती हुई नज़र आ रही है।
एंड देखिए, अगर आप यहाँ पे बेचेंगे स्टॉक को तब भी देखिए कोई मतलब होने नहीं वाला है, बिकॉज यहाँ से स्टॉक देखिए आपको बहुत ही जल्द बहुत बड़ी रैली दिखाने वाला है। 20 रुपये का लेवल आप मान के चलिए अब शेयर आपको टच करता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज जिस तेज़ी से स्टॉक चलता हुआ देखने को मिल रहा है 2 दिन में 10%, 15%, 3 दिन में 15% तक की तेज़ी, ये तेज़ी दोस्तों आम बात नहीं है। स्टॉक में एक बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया। अब कैसे ब्रेकआउट आया देखिए आपको ये दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हम ट्राइडेंट का यहाँ पे चार्ट देखेंगे, पिछले 6 महीने का, 6 महीने का चार्ट देखिए आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि क्या हुआ है। 6 महीने में स्टॉक में देखिए आपको लंबी कंसोलिडेशन देखने को मिली, लंबी कंसोलिडेशन, और यहाँ पे स्टॉक कोशिश कर रहा था देखिए आपको 18 रुपीज़ के अबाव जाने की, लेकिन लगातार जब भी इस जोन के पास आता था स्टॉक में देखिए आपको गिरावट देखने को मिलती थी। देखिए ये जोन जो आपको बता रहा हूँ, ये जोन जो मैंने मार्क किया, हर बार 18 रुपये के आसपास आने के बाद शेयर के अंदर गिरावट बनती थी। और देखिए कितनी बार आया, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, फिफ्थ अटैम्प्ट, करीबन 7th अटैम्प्ट के आसपास दोस्तों स्टॉक ने इस लेवल को क्रॉस किया है। और ये दोस्तों 7th अटैम्प्ट कितना बड़ा कंसोलिडेशन देखिए आपको दिखाता है, और ये कंसोलिडेशन दोस्तों साफ साफ जो हमको शो कर रहा है कि स्टॉक के अंदर फिर देखिए यहाँ पे जो बड़ी तेज़ी की शुरुआत है वो आपको होती हुई देखने को मिल गई है। 19 रुपये 25 पैसे देखिए जो 52 वीक हाई है, हो सकता है कि देखिए आपको यहाँ पे टूटता हुआ देखने को मिल जाए कल, बिकॉज कल भी देखिए चांसेस तो यही होंगे कि स्टॉक आपको कल गैप अप देगा ओपनिंग, और गैप अप ओपनिंग देगा तो फिर देखिए साफ साफ यहाँ पे आपको स्टॉक ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। 19 रुपये 30 पैसे कल बहुत ही क्रूशियल होने वाला है पहला रेजिस्टेंस। देखिए टेक्निकल्स के ऊपर बात करें तो टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, तो देखिए टेक्निकल्स को अगर हम खोलते हैं यहाँ पे साफ साफ हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि आपको लास्ट मिनटों पे दोस्तों जो देखने को मिल रहा है कि स्टॉक के अंदर बाइंग तो बिल्कुल बनती हुई देखने को मिलेगी, बिकॉज स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पे अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है, तो बाइंग तो दोस्तों यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल ही रही है। और शेयर के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, बाइंग के साथ साथ यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम्स आती हुई देखने को मिल रही है, और अगर वॉल्यूम्स आएगी तो देखिए तेज़ी तो साफ साफ हमको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और वॉल्यूम दोस्तों जो यहाँ पे आपको आती भी देखने को मिल रही है, इसका साफ साफ एक ही संकेत है कि देखिए शेयर यहाँ पे बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो चुका है। तो जिन लोगों को देखिए यहाँ पे कल बाय करना है वो क्या करे, देखिए करंट लेवल के आसपास खरीदारी करके चलिए, यहाँ पे आपके पास देखिए बढ़िया मौका है अभी भी स्टॉक को यहाँ पे खरीदारी करने का। मुझे नहीं लगता कि देखिए यहाँ से आपको अब कोई ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, 18 का क्रूशियल सपोर्ट होने वाला है। कल इंपॉर्टेंट डे कि 19 रुपीज़ के अबाउ स्टॉक कैसे आता है, अगर 19 रुपये के ऊपर आसानी से दोस्तों टिक जाता है शेयर, 19 रुपये के ऊपर आसानी से निकल जाता है शेयर, तो फिर तो देखिए यहाँ पे 52 वीक हाई लगता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन 19 रुपये से पहले अगर स्टॉक में आपको थोड़ा बहुत भी कंसोलिडेशन या फिर देखिए गिरावट देखने को मिलती है तो फिर वापस से देखिए वो आपको नीचे से स्टॉक यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिलेगा, फिर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो कल पहला रेजिस्टेंस है दोस्तों यहाँ पे 19 रुपीज़ का, 19 रुपीज़ का रेजिस्टेंस क्रॉस करने का 19:30 जो इसका 52 वीक हाई है। तो ये दो रेजिस्टेंस है दोस्तों कल के लिए जो आपको स्टॉक को यहाँ पे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर इनके ऊपर निकल जाएगा तो डेफिनेटली देखिए बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए करना क्या है, करंट लेवल के आसपास दोस्तों इसको बाय करके रखिए, शेयर का लक्ष्य रखिए दोस्तों ये कल का यहाँ पे मुझे लगता है कि 5% का अपर सर्किट आप मान के चलिए। स्टॉप लॉस दोस्तों जो आपको यहाँ पे कल लगा के चलना है वो लगा के चलना है आपको कल के लिए होगा करीबन 18 रुपीज़ 30 पैसे का। तो इस स्ट्रेटजी के चलिए होल्ड करिए ट्राइडेंट को, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों इन स्टॉक्स को रखिए आप, कि ये स्टॉक्स आपको बढ़िया रिटर्न्स कमा के देंगे एक शॉर्ट टर्म में भी, और यहाँ पे मुझे लगता है कि अपसाइड की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े जाने को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।